उसी पत्नी के हाथों से मुझे कफन ओढ़ाया जा रहा था, मुझे कफन ओढ़ाया जा रहा था। हाँ, कुछ नहीं है बंधुओं, कुछ नहीं है। तब हाथी ने मन में विचार किया कि अब तो सहारा मात्र किसका है, कि जिसने मुझे इस धरा पर भेजा है उसी का सहारा है। तो जैसे ही हाथी को तलवार सूंड ऊपर रही, अब प्राणांत तो होने वाले हैं, तब हाथी ने कि गज और ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हार आया, तलवार सूंड रही जल ऊपर, तब हरिनाम पुकार आया। जब जैसे ही परमात्मा का नाम लिया तो परमात्मा नाम लेते घनक रुक्मणी जी अपने हाथों में परमात्मा की खड़ावा लेकर खड़ी थी, तो हाथ कह पाए और थी हाथी के साथ। हाथी भी पूरी नहीं कह पाए अपनी पत्नी से भक्त के पीछे, और आकर देखा कि मेरा भक्त डूब रहा है, तो तुरंत हाथी पर अपना हाथ डाला, सूंड को उठाया और ग्रहाय सहित हाथी को ऊपर ले आए और अपने चक्र सुदर्शन से उस ग्रहाय का संहार किया। हाथी कहने लगा, प्रभु यह समझ में नहीं आया न्याय तुम्हारा, मुझे इस समझ में नहीं आया न्याय तुम्हारा। गज ने पुकारा और ग्रह को उबारा, गज ने पुकारा और ग्रह को उबारा। किसको उबारा? यथार्थ में सत्य है, क्योंकि ये दोनों श्रापित थे, ये दोनों गंधर्व थे। एक को अष्टवक्र की श्राप लगी थी और दूसरे को अगस्त ऋषि की। तभी वृत्तांत आएगा, बताऊंगा पूरा वृत्तांत। आइए इस कथा को भगवान के श्री चरण कमलों में साष्टांग दंडवत करते विश्राम देते हुए आगे भगवान के श्री राम का चरित का गुणगान करेंगे। इसलिए राम नाम का उच्चारण करते हुए भगवान राम के जन्म का उत्सव मनाते हैं, रघुवंश में चलते हैं। श्री राम जय, राम जय जय राम, 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 श्री राम जय, राम देखिए। ऐसे आनंद नहीं आएगा, मैं बताऊँ आनंद कैसे आएगा। तो दोनों हाथों को उठाइए, दोनों हाथों को उठाइए और क्या कहना है, श्री राम जय, राम जय जय राम, 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 श्री राम जय, Oh,
पर रामचंद्र भगवान की जय हो। बंधुओं, समय के अभाव के कारण व्यास मंच है, रक्त का मंच है, मिथ्यावादन नहीं करना चाहिए। अभी बहुत सी कथाएं रही, समुद्र मंथन का कथा रही, सती चरित्र रहा, अम्बरीश की कथाएं रही, पर क्या करें, समय अभाव है। आज चौथा दिन है, परमात्मा भगवान का जन्म आज कराना आवश्यक है। अगर यह दिन प्रतिदिन एक एक घंटे पहले होता तो यह सारी कथाएं हो जाती। इसलिए मैंने बीबी भैया से कहा था कि प्रारंभ में ही 5 घंटे कथा करेंगे, पर वह किसी कारणवश नहीं हो पाई। और जब से वो कथाएं बढ़ती गई तो बंधुओं, मैं भी एक छोटा सा बालक हूं, इतनी कथा को नहीं खींच सकता। जितनी कंठ में व्यवस्था है वही व्यवस्था मैं कर सकता हूँ। मुझे आप क्षमा करें, मैं किम कारण विमूढ़ हो गया हूँ, समय के अभाव के कारण जो मैं कथा नहीं सुना पाया। अगर जिस दिन परमात्मा और पिता श्री का आशीर्वाद इस दास के ऊपर होगा, उस दिन आप समय देना और मैं कथा सुनाऊंगा। जिस दिन कथा सुनने में आनंद आएगा। परीक्षित कहने लगे, प्रभु आपने सभी कथाएं सुनाई और आज रघुवंश की कथा मुझे बताइए। तो तुरंत सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस रघुवंश की कथा सुनने की तुम्हारी प्रबल इच्छा है, वह रघुवंश का अंत ही नहीं दिखता मुझे। अगर वह कथा मैंने कहना प्रारंभ कर दिया तो तुम्हारे 7 दिन यही खत्म हो जाएंगे, कथा पूरी नहीं हो पाएगी। इतना बड़ा रघुवंश है। तब सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को एक ही श्लोक में पूरी रामायण रघुवंश सुना दी। आदो राम तपो वनाधि गमनम हत्वा मृगाकांक्षणम वेदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निग्रहरणम समुद्र तरणम लंकापुरी दहनम पश्चात रावण कुंभकरण हरणम इत्यादि रामायण। इतना रामायण में हुआ। रघुवंश बहुत बड़ा है, मैं इसकी कथा तो नहीं सुना सकता आगे। हाँ राजन, मैं तुम्हें उस महान चंद्रवंश की ओर ले जाता हूं, जहां पर परमात्मा श्री लीला पुरुषोत्तम भगवान में जन्म लिया। बंधु एक बात बताऊं, कई व्यास क्या करते हैं कि पुस्तकों को छुपाते। ईमानदारी से बात बताऊं, अगर पुस्तकें न होती तो यह ज्ञान कहां से लाता? मैं नहीं छुपाता है तो ठीक है, लिखा तो है, मेरे पास पुस्तक है, उसी में देख के कह रहा हूं। भैया तुमको आता हो बोलना तो तुम बोल लो। बड़े बड़े व्यक्ति प्रवक्ता क्या करते हैं, पता चला हमारे गूगल वाले के रहने वाले हैं, लिखा है क्या श्री राम वृंदावन, तो गूगल वाले में रह रहे हैं। क्या हो जाएगा इससे? कुछ नहीं होगा बंधुओं। कल कह रहे थे एक भक्ति में, यहाँ से जा रहा था, गुरुजी आप पुस्तक को पढ़ते हो, सब लोग कहते हैं अरे गुरुजी देख के पढ़ रहे हैं। तो भैया देख के नहीं पढ़ेंगे तो माँ के उधर से तो प्रहलाद और ध्रुव और अभिमन्यु जैसे महान वीर पुत्र सीखे और उनके लिए सदगुरु मिले। मेरी माँ के लिए इतना अच्छा सदगुरु नहीं मिला, इसलिए मैं नहीं सीख पाया, पुस्तक से सीख रहा हूँ। भैया यही मेरे लिए गुरु है। और जो हुए उनको भी पता नहीं था कि किससे हमारी माँ ने शिक्षा ली है। आइए चंद्रवंश में चलते हैं। ओ परीक्षित, आज मैं जिस महान
चंद्र वंश का वर्णन कर रहा हूं, उसी वंश में तुम्हारे वंश का भी वर्णन आएगा। अब फिर से परीक्षित का इसमें जन्म होगा। अब ये मत कह लेना कि गुरुजी बद्रवी परीक्षा सुना, बीच में परीक्षा सुना और आज भी परीक्षा सुना रहे, आज नहीं आगे आए। जब ले आइए परीक्षित, नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए और ब्रह्मा के यत्री अत्रियों के नेत्र से चंद्रमा का जन्म हुआ और चंद्रमा के एक बार यज्ञ किया और तारा हरण कर लिया, उससे बुध हुए। या तारा हरण का मैं वृतांत नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि इस विषय में गुरुदेव भगवान जानते हैं। उससे बुध हुआ और बुध के पूर्वा हुए और पूर्वा से आगे यह वंश चलना प्रारंभ हुआ। गादी हुए जिसकी पुत्री सत्यवती का विवाह ऋषिक ऋषि से हुआ और ऋषिक मुनि ने दो प्रकार की चरु बनाई और पत्नी की चरु सास ने खा ली और सास की चरु पत्नी ने खा ली। चरु के मतलब में जानते हो, यज्ञ में जो खीर बनाते हैं उसको टांग दिया जाता है, वो है यज्ञ की अग्नि से बनता है, उसे चरु कहते हैं। और अदला बदली के कारण गांधी के महायज्ञ में पुत्र हुआ और क्षत्रिय होकर वह ब्राह्मण हो गया और ब्राह्मण विश्वामित्र के नाम से जाना गया और ऋषि मुनि के यहाँ ब्राह्मण के यहाँ क्षत्रिय हुआ और जमदग्नि ऋषि के नाम से जाने गए। आगे यह वंश चलता रहा। महाराज नहुष हुए, नहुष के पुत्र याति, याति शांतनी, याति और व्यति, इनमें से चलते चलते नवर के पुत्र उन्हीं याति के विवाह देव्यानी से हुआ। शुक्राचार्य की पुत्री थी और यह यदुवंश का यहाँ पर आकर नौ गोप हुए और नौ गोपों में से जो एक गोप था वह नंद हुए। अब चलते हैं भगवान कृष्ण के जन्म में, पर एक बात बता दूं, जब तक भगवान जहल खाने में रहे कोई भी नहीं चिल्लाएगा। कंस को पता लग गया तो गोविंदा गुरु राधे राधे, अब ये नहीं बोल रहे तो फिर कहूंगा बोलो राधे राधे। अरे नहीं, सभी खुशी है भगवान है, होना चाहिए। जब हमारा परम पिता इस धरा पर आता है तो समस्त प्रकृतियां अपना रूप अनुरूप लेकर सब मानस योनि में आए थे भैया। देव लोग से सभी लोग भगवान के जन्म उत्सव जब वसुदेव जी ने मनाया तो सभी नचने के लिए आए थे। अब यहाँ देखते हैं आज कितने देवता और कितनी देवियां नंद का मित्र कंस था और यह कंस भी नंद के ही घर पला बड़ा हुआ था। एक बार कंस और नंद दोनों घनिष्ठ मित्र थे, गुरु भाई थे। अपनी चचेरी बहन के विवाह के लिए प्रस्ताव किया महाराज उग्रसेन ने, तो कंस कहने लगा मेरा मित्र नंद जो है, वसुदेव जो है, मांस की जीव पलटा जा रही है, जो वसुदेव हैं वो मेरे प्रिय मित्र हैं और बड़े ही बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ मित्र हैं, क्यों ना हमारी
देवी की का उन्हीं के साथ पाणि ग्रहण संस्कार किया जाए, हल्लास हुल्लास के साथ महाराज कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव से किया। अब वह अपनी बहन को रथ में बिठाकर और ससुराल के लिए जा रहा था। कंस ने पाखंड बहुत कर लिए थे, परमात्मा को भी यह भार उतारना था। आकाशवाणी हुई कि रे सठ, तू जिस बहन का विवाह इतने हर्ष और उल्लास से कर रहा है, वही बहन का आठवां पुत्र तेरा मृत्यु का दाता होगा। जब यह आकाशवाणी कंस ने सुनी तो कंस का हृदय कांपने लगा और अपने कटार से तलवार निकाली और देवकी का वध करना चाहा, तो मित्र ने हाथ पकड़ लिया और कहा, कि मित्र, मेरी पत्नी की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। चली है आकाशवाणी यह कह रही है कि मेरे देवकी से जो पुत्र उत्पन्न होगा आठवां गर्भ, वह मुझे नष्ट कर देगा, तुझे नष्ट कर देगा, तो मैं वचन देता हूँ कि जितने भी पुत्र होंगे सब मैं तुझे अर्पण करता रहूंगा, पर देवकी को मार मत। विश्वास था कंस कि वसुदेव झूठ नहीं बोलता। लाकर कारों वास में डाल दिया, कारों वास में जैसे ही डाला प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। कंस के पास ले गए वसुदेव, कंस ने देख कर हंसा, खिलाया, वापस करना करने लगा। तुरंत नारद जी आ गए क्योंकि पापों की कुछ कमी रह गई। नारद जी ने कहा, क्यों इसे क्यों छोड़ रहे हो? तो कंस हंसता हुआ कहने लगा, हे नारद ऋषि, मुझे तो आठवें पुत्र से, आठवीं संतान से डर है। ये तो पहला है, तो एक आठ पंखड़ी का कमल का पुष्प ले जाकर और कंस के हाथ में थमा दिया और कहा, अरे कंस, इन पंखड़ियों को गिनो। उसने गिनना प्रारंभ किया तो जिस पंखड़ी से गिनना शुरू हो उसके बाद वाली आठ, फिर जिससे गिने उसके बगल वाली आठ। नारद जी के फंदे में फंसा हुआ व्यक्ति और फिर निकल जाए, अरे भैया, संसार की सबकी बातें रद्द हो सकती है पर नारद की बात रद्द ना हो, वही तो नारद। इसके पाप कम हो रहे हैं, पहली संतान को भी आठवीं संतान बनाकर नारद ने खड़ा कर दिया और यह पाप प्रारंभ करवाना कंस से चालू करवा दिया कि अब जितनी भी संतान होगी वह संतान विवाह मारेगा। करते करते छह संतानों तक देवकी के छह पुत्र जो कंस ने मारे वह छह वसु थे, जिन्हें भी श्राप था। अब सातवें गर्भ का जैसे ही गर्भ में आना प्रारंभ हुआ तो समस्त देवताओं ने कहा कि अगर इसने सातवें गर्भ पर आंच लगाई तो क्या होगा। तो देवताओं की महामाया द्वारा उस सातवें गर्भ को लेकर और वसुदेव की जो दूसरी पत्नी रोहिणी थी उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। बोलो राधे राधे, भगवान की यही तो माया है। जो सातवां गर्भ था बलराम का, वह शेष अवतार भगवान को पहले रोहिणी के घर में पहुंचा दिया और इधर पूरे महल में चर्चा हो गई कि वह सातवां गर्भ अपने आप ही नष्ट हो गया और कंस से घबरा गया। अब आज आठवें संतान का जन्म होने जा रहा है। समस्त देवताओं के मुखारविंद पर खुशी की लहर है। भगवान का गर्भधान होता है,
गर्भ में आते हैं, सभी देवता स्तुति करने लगते हैं। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, जैसे देवताओं ने भगवान कृष्ण की गर्भ की स्तुति की, हम सब भी उसी प्रभु की स्तुति करने हैं। और आप बोल भाई और मेरे साथ बोलिए क्या, ओ स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम।